अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप डैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर टू को, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आईसीसी। इसकी क्वेश्चन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप की है अपनी डिग्री के रिलेटेड, उस आपने इंटर्नशिप लेटर बनवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है। उस सर्टिफिकेट को आपने स्कैन करके उस सर्टिफिकेट को आपने असाइनमेंट नंबर टू में अपलोड करना है, ठीक है। अभी हम इसकी क्वेश्चन फाइल में मजीद देख लेते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके रिलेटेड। आपकी जो ये इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ये कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इशू करने की डेट उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए, ज्वाइनिंग एंड कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ इंटर्नशिप ड्यूरेशन मेंशन होनी चाहिए, जिस पर्सन ने उसको साइन किया है, सिग्नेचर किया, उस बंदे का नाम और उसकी डेजिग्नेशन मेंशन होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके सिग्नेचर और स्टैम्प्ड जो है वो प्रॉपर कंपनी के उसके ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से आपने ये इंटर्नशिप लेटर कंप्लीट बनवाना है वहां से। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है कुछ। बाकी मजीद इसके रिलेटेड आपको कुछ सैंपल्स के तौर पर दिखा देते हैं, जिस तरह ये UBL बैंक की इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। आप देखें ये भी कम्प्लीटली उसी तरह फॉलो हुआ है, कंपनी का लेटर हेड पे है, रेफरेंस नंबर रिटर्न है, डेटेड जिस डेट को हुआ है, स्टूडेंट का नेम, आईडी कार्ड, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सिग्नेचर, पर्सन की अथॉरिटी, ब्रांच मैनेजर है, उसके बाद सिग्नेचर है उसके, ठीक है। यहाँ पे स्टैंप भी लगनी थी लेकिन इस लेटर के ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई, आपने स्टैंप भी लगवानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये एक और कंपनी का है, MD डिजाइन, आपने इस तरह स्टेटमेंट लिख के ये सारी लेटर हेड के ऊपर आपने इस तरह से बनवाना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने इंटर्नशिप की है, ठीक है। उसके बाद ये एक कंपनी का है, इसका भी इस तरह बना हुआ, आपने भी ऐसे बनवाना है, और इन सब के ऊपर स्टैम्प्स होना जरूरी है। अगर इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने किसी जगह पर इंटर्नशिप नहीं की और वो अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं या उनको बना हुआ इंटर्नशिप लेटर चाहिए वेरीफाइड, तो उसकी हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे कुछ प्रीवियस सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के, ये HRM की इंटर्नशिप रिपोर्ट के हैं, कॉम के हैं। उसके बाद ये भी HRM, ये फाइनेंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का है, MGT का है, MGT का है, HRM है, तो ये डिफरेंट डिग्री, ये भी MGT का था, HRM, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स पास हैं। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।